मैं राजेश बाबा रोहतास बिहार से सत्य ज्ञान को लेकर आया हूँ, जो कि सभी परमात्मा के प्यारे जीव हंस इस सत्य ज्ञान से जागरूक होकर सत्य को धारण करके सदा सदा के लिए मुक्त हो जाए। साहेब बंदगी सतनाम। तो साहेब बता रहे हैं कि हमने अपना आत्मा का कल्याण करना है। अरे देश हमारा देश नहीं है, ये जात हमारी जात नहीं है, ये शरीर मेरा शरीर नहीं है, मेरा रूप नहीं है, मेरा रूप इन सबसे न्यारा है। जो परमात्मा का शब्द रूप वही मेरा रूप, हम दोनों में तिल मात्र की भेद नहीं है। इसको अच्छी तरह गांठ बांध लो। जब तक इस चीज को नहीं समझोगे, जब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अपना मूल पहचान लो, अपना असली स्वरूप पहचान लो। भाई मेरे, ये दो आंखें, एक नाक, दो हाथ, दो पैर, ये आप नहीं है हो, ये आपको कपड़े हैं। जब आप शरीर नहीं हो तो आपका भगवान शरीर कैसे हो सकता है, आपका परमात्मा शरीर कैसे हो सकता है? जब आप ही शरीर नहीं हो, सोचो एक बार, विचार करो। आज बड़े बड़े गीता के प्रचारक आते हैं, सात सात दिन की अखंड गीता चलती है, आपको ज्ञान दे के कि हे अर्जुन, कृष्ण जी कहते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। इतना कुछ बोल के सात दिन समझा के फिर लास्ट में क्या करते हैं कि भगवान जी की आरती करो, भगवान जी की पूजा करो। किसकी? कृष्ण जी की। किस शरीर की? कृष्ण जी के शरीर की। कि अरे सात दिन तो यही बताते रहे कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो कृष्ण जी शरीर कैसे हो गए, इसका जवाब दो। अरे अर्जुन भी एक आत्मा है, कृष्ण जी भी एक आत्मा है, कबीर भी एक आत्मा है, नानक जी भी एक आत्मा है, इनमें कोई भेद नहीं है। आत्मज्ञानी में किसी में भी भेद नहीं करता। साहेब बंदगी सतनाम। तो साहेब बता रहे हैं कि हर जीव में जो भी यहाँ पर चल रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सब आत्मा के द्वारा ही हो रहा है, अन्यथा वो मृत है, वो नश्वान है, वो जड़ है। तो उस आत्मा को पहचानो मेरे भाई, तो वो आज जो बाणी लेंगे वो बहुत बहुत ही गुणहर्ष वाली बाणी है। गुरु ग्रंथ साहिब अंग नंबर 139 पे अब देखेंगे इस बाणी बहुत गुणहर्ष छुपे हैं। और मैं मालिक से यह अरदास करूँगा कि सभी परमात्मा के प्यारे जीव हंसों का इस ज्ञान को समझ में आए। तो आगे देखते हैं क्या कहते हैं साहब। तो देखिए क्या क्या लिखा है कि अखी बाजहू बेखड़ा बीड़ू करना सुना, पैरा बाजहू चाणा बीड़ू हत्था करना, जीभा बाजहू बना इहू जीवत करना, नानक हुक्मू पछाड़ी मैं तहूँ खसमे मिलना। देखिए कितना गहराई है इन चार पंक्तियों में। यहाँ पर बात चल रही है अखंड शब्द की, अखंड नाम की। तो कह रहे हैं कि उस नाम को, उस शब्द को, उसका सिमरन करो जो अखी बाजू बेखड़ा, जो इन आँखों से नहीं देखा जा सकता, इन आँखों के द्वारा केवल माया को देखा जा सकता है। माया के द्वारा रची हुई सृष्टि को देखा जा सकता है। उस सच्चे नाम वो सच्चे शब्द को ये चमड़े की आंखें नहीं देख सकती। वो जो नाम है ये आंखें पढ़ नहीं सकती, वो पढ़न लिखन से न्यारा है। और कोई कहे कि सतनाम ग्रंथों में लिखा है, इतने पेज नंबर पे लिखा है, तो भाई अभी आपको पता ही नहीं कि सतनाम के बारे में पता ही नहीं कि सतनाम है क्या। तो आगे बताते हैं, क्योंकि सतनाम परमात्मा का निज नाम है, वो शक्ति है जिसकी वजह से अखल ब्रह्मांड चल रहा है। अगर वो सतनाम ना हो तो सब जड़ वस्तु हो जाए, एक पल में सब कुछ थक जाए, सब कुछ रुक जाए।
जो इतनी बातें कर रहे हैं, अरे वो भी सतनाम की वजह से कर रहे हैं। सतनाम नहीं तो ये शरीर एक लाश की एक मिट्टी है, एक ढेरी है। तो क्या कहते हैं? साहिबंदगी सतनाम। तो साहिब बताते हैं कि मानवीय सत्यभेदी मोदी जी सतनाम, जिस प्रकार एक वायरस के लेकर लॉकडाउन का डंका बजाए हैं, उसी प्रकार सभी परमात्मा के प्यारे जीव हंसों के लिए सत का डंका बजा दीजिए, ताकि सभी परमात्मा के प्यारे जीव हंसों का सत का धुने उनके काने तक जाए और सत मार्ग के खोजे। जब से सत्य को धारण नहीं करेंगे, सुरती को शब्द में नहीं लगाएंगे, तब तक ऐसा ऐसा कुदरत का कहर आएगा कि कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए सत्य को जानो और सत्य को परखो, उस सत्य ज्ञान को परख के सुरती को शब्द में लगा के इस बावन से मुक्त हो जाओ, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओ। साहिब बंदगी सत्य।